वेलकम स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने तीन मेथड पढ़े थे, जिसमें हमने क्या जो ऑर्डर निकाला था किसी भी रिएक्शन का उन तीन मेथड से। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, इस वीडियो लेक्चर में हम एक छोटा सा टॉपिक है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या पढ़ेंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा इसका नाम बता रहा है, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि हम एक रिएक्शन लेते हैं, ये ए प्लस बी गोज टू प्रोडक्ट सी। इसमें देखो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, वन है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, टू है। ओवरऑल ऑर्डर इसका क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। ये ओवरऑल ऑर्डर है जो इसका, वो क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए ओवरऑल ऑर्डर इसका, टू। लेकिन होता क्या है, इसका ओवरऑल ऑर्डर कितना है, वन है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस रिएक्शन में कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो दिक्कत क्या है वो देखेंगे अभी। तो कहने का मतलब ये है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है, वास्तव में मतलब ये रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आती है जिस पे जो ये रिएक्शन है ये क्या बन जाती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाती है। तो उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो इसकी एक बार हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसको एक एग्जाम्पल से देखेंगे क्या है ये एक्चुअल में। तो इसमें क्या लिखेंगे, द रिएक्शंस विच आर नॉट एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बट अंडर सर्टेन conditions these become first order। तो ये वाली आपकी क्या होती है, pseudo first order reaction, जो कुछ condition पर क्या बन जाती है, first order reaction। इसमें अगर आप example लेना चाहें तो इसमें आप example क्या लिख सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं example लिखना चाहें तो acid कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। ये आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। देखो शुगर H12O22 C12H22O11 प्लस H2O। तो जैसे ही देखो ये क्या है, शुगर है आपकी, तो ये इसकी जैसे ही एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस होगी तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा, C6H12O6। ये है आपका ग्लूकोज और ये है आपका फ्रक्टोज। तो ये है आपका एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। अब इसमें देखो होता क्या है, अगर इसकी बात करें हम तो इसकी रेट लिखते हैं पहले, तो रेट एक्चुअल में क्या होनी चाहिए, C12H22O11। लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होती है, एक्चुअल में क्या होती है, ये होती है K- ये लिखते हैं, जिसमें कि हम K- लिखते हैं KH2O। अच्छा जी ये बात होगी। अब ऐसा होता क्यों है, इसमें ये होता है कि इसमें दो रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर दो रिएक्टेंट है तो दोनों में से इसमें क्या होता है, एक है वो लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट होता है, एक क्या है वो लार्ज एक्सेस में होता है, यानी हम बोल सकते हैं ये किसकी तरह एक्ट करता है, सोलवेंट की तरह। और जो दूसरा वाला है वो आपका लेस अमाउंट में होता है,
ठीक है, तो ये लार्ज एक्सेस में है तो ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टेंट होता है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसकी वजह से होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका किसकी वजह से है, वो आपका इसकी वजह से होता है, रेट ऑफ रिएक्शन है जो लेस अमाउंट वाले जो रिएक्टेंट है उसकी वजह से। तो इसलिए हम जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जो एस्टर है, एसिड, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, उसमें आपको एक मोल कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और एक मोल आपको अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, उसमें भी सेम के डैस ऐसे ही लिखेंगे आप, के डैस के एच टू ओ, उसमें भी आप ये आपका यहाँ से ये जो है ये वाला पार्ट आपका एलिमिनेट होके ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। इसकी कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो आपके डेफिनेशन लिखेंगे पहले आप, उसके बाद एक एग्जांपल देके ऐसे बता देंगे। इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट आता है एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी का, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल्दी आपका सीबीएसई और एचबीएससी दोनों का एग्जाम आ रहा है। ठीक है, तो आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो अब आप देखते हैं कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी ईटी एंड एक्टिवेशन एनर्जी ईए। ठीक है, तो ये देखने हैं अब हमें कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आई कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी ने क्या बताया कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है या रिएक्शन तभी होगी जब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो आपस में कोलाइड करेंगे। ठीक है, और सारे जो कोलिजन है वो ये इफेक्टिव नहीं होते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी जैसे रिएक्शन हो रही है उसमें सारे मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं तो वो सारे मॉलिक्यूल कोलाइड करके मतलब कंप्लीट रिएक्शन वो नहीं होगी। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन कौन सा होगा, इफेक्टिव कोलिजन वो होगा जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे और उनके उनकी जो एनर्जी है वो एक पर्टिकुलर बैरियर से ज्यादा होगी, तो उस केस में जो कोलिजन है वो इफेक्टिव होगा और उससे ही हमारा किसका कॉन्सेप्ट निकल के बाहर आया, उससे ही हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो बाहर आया। ठीक है, जैसे कि यदि हम बोलें एग्जाम्पल देखें इसका, तो जैसे आप ट्वेल्थ का एग्जाम दोगे, सपोज 100 मार्क्स का है, उसमें आपको सपोज 33 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो ये 33 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए, ये आपका एक पर्टिकुलर बैरियर है, इससे अगर आप नीचे रहेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, पढ़ेंगे तो फेल कैसे होंगे। ठीक है, जब आप 33 या इससे ऊपर जाएंगे तो आप पास वाली कैटेगरी में आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो 33 मार्क्स है वो आपका क्या है, एक पर्टिकुलर एनर्जी बैरियर है और इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी है ये, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी को। डिफाइन करने से पहले एक बार ग्राफ बना लेते हैं इसका, यहां पे आप लिख सकते हैं प्रोग्रेस ऑफ, यहां पे आप क्या लिखेंगे, रिएक्शन कोऑर्डिनेट या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कोऑर्डिनेट या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं, और यहां पे आप क्या लिखेंगे, यहां पे आप लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, नहीं यहां पे आप लिखेंगे
काइनेटिक एनर्जी या सिंपल आप एनर्जी लिखेंगे, ठीक है, इतना काम आप करेंगे। यहाँ पे आपने लिखना है एनर्जी और यहाँ पे आपने लिखना है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है R, वो कुछ ऐसे यहाँ से चला, यहाँ पे आपका क्या बन गया, इस वाली यहाँ पे बनेगा आपका इंटरमीडिएट। अच्छा ठीक है, इतना काम आपने कर दिया है। तो देखो ये वाला जो गैप है यहाँ से और यहाँ तक, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और ये वाला जो गैप है या डिफरेंस है इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। तो अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करें तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसमें आप लिखेंगे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट बी पोजेस्ड बाई रिएक्टेंट्स टू कोलाइड इफेक्टिवली टू चेंज इंटू प्रोडक्ट्स। तो ये कॉन्सेप्ट आपका किसका, थ्रेशोल्ड एनर्जी का, कि वो मिनिमम अमाउंट किसकी, रिएक्टेंट की, जिससे कि वो इफेक्टिवली कोलाइड कर सके और प्रोडक्ट में चेंज हो सके, तो वो है आपका मोहित आवाज की मंदी का थोड़ी, तो वो आपकी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसके बाद आपका क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी आपकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिएक्टेंट को हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं, जिससे कि उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए और वो इफेक्टिवली कोलाइड करके किस में, प्रोडक्ट में चेंज हो पाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन यहां लिख देता हूं मैं, ई ए द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट्स। क्या वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम रिएक्टेंट को सप्लाई करते हैं, ठीक है, टू रिएक्टेंट्स, सो देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड चेंज इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये आपकी होती है थ्रेश एक्टिवेशन एनर्जी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम रिएक्टेंट को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, जिससे कि उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाती है, ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो आपकी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाती है और वो किस में, प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, वो आपकी है एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इसमें वीडियो में हमने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन किया, उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी को देख लिया है, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, अरेनियस इक्वेशन के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।